स्वागत अभिनंदन के बाद मैं बुलाना चाहूंगा क्षेत्र के युवा नेता डॉक्टर विवेक माचरा को, आप आए और श्री हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत उद्बोधन करें। श्री डॉक्टर विवेक जी माचरा, एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने स्थानीय नेताओं का स्वागत करें। श्री डूंगरगढ़ की इस वीर धरा पर राजस्थान के किसानों के मसीहा वो बब्बर शेर जो देश की लोकसभा के अंदर जब बैठते हैं तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सत्ता और शासन की रूह कांप जाती है, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीर तेजाजी महाराज की तपोभूमि, वीर भिकाजी महाराज की वीर भूमि, बाबा राम साहब पीर, गुरु लादूनाथ जी गुरु जी महाराज, करणी माता के आशीर्वाद से, भैरव बाबा के स्नेह से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का इस धन्य धरा पर स्वागत करता हूं। अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, शहीद एतराम गोदारा, शहीद नियाल चंद जी धारणिया, अपने साथी के लिए बलिदान देने वाले शहीद बजरंग गोदारा नौसरिया का इस पुण्य भूमि से मैं नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के समय के अंदर जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, पूरा प्रदेश, पूरा श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र एक अंधकार की ओर चला गया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ ने जमीनों पर कब्जे करने से लेकर भूमाफियाओं को आगे बढ़ाने से लेकर किसान की जमीन को नीलामी कराने से लेकर किसान के शोषण के प्रत्येक काम को करने के बाद में आज इलाका उस उधर पर आकर खड़ा हुआ कि प्रत्येक जगह पर विकास की योजनाएं सिर्फ अखबारों के अंदर सिमट कर देख गई। आज पोस्टरों के अंदर देखते हैं अशोक गहलोत के हंसते हुए की फोटो, देखते हैं कि हमने सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा फ्री कर रखी है, लेकिन स्कूलों के अंदर जाते हैं तो वहां पर शिक्षक नहीं है। मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से कहना चाहता हूं कि 70% से ज्यादा स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब नारायण जी बेनीवाल ने सवाल उठाकर जवाब दिया तब हमारे स्थानीय विधायक भी सक पका गए, जब तक श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर शिक्षक नहीं होंगे, जब तक रीडी बाना उपनी कल्याण सर बाड़ेला बरजांग सर की बेटी पीपीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज नहीं बनेगी, आपका बेटा एसपी नहीं बनेगा, आपका बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, श्री डूंगरगढ़ का बेटा एसडीएम नहीं बनेगा, चाहे जाड़व सर से लेकर मोमा सर तक की बात करें, कुछ और से लेकर सिंधु मोरखाना में राम सर तक की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें कब्जा करना होगा। ये हालात हॉस्पिटल के अंदर है। नेता विज्ञापन देने के लिए कभी कह देते हैं कि हमने हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल बना दिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिला हॉस्पिटल बनाने के बाद में दो डॉक्टर डूंगरगढ़ की हॉस्पिटल से चले गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज हमारी बहन बेटियों के लिए गर्भावस्था के अंदर श्री डूंगरगढ़ के अंदर महिला चिकित्सक नहीं है, 20-20, 30-30 हजार रुपए के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाना पड़ता है। ये हालात बिजली विभाग के अंदर जो AN और JN बैठे हैं वो किसान के बाप बनकर बैठे हैं, किसान का शोषण करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं नौजवान शक्ति के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं जब किसान को परेशान करने वाला, बिजली बिलों के नाम पर विजिलेंस की सीट भरने वाले AN और JN को श्री डूंगरगढ़ की सड़कों पर नंगा करके घुमाएंगे, वो समय आने वाला है राजस्थान के अंदर। जलदाय विभाग की यह हालत है, पूरे इलाके के प्रत्येक गांव के अंदर, हर गांव के अंदर पीने के पानी के जो सरकारी ट्यूबवेल है, 70% गांव के अंदर ट्यूबवेल की मोटर खराब पड़ी है, और जलदाय विभाग जो AN और JN है भ्रष्टाचार के अंदर आकर डूबे हुए हैं, किसी प्रकार से सुध नहीं ले रहे। माननीय सांसद महोदय,
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इलाका एशिया के अंदर मूंगफली उत्पादन के अंदर एक नंबर है। चाहे डिग्गी में डूब कर हो, चाहे करंट लगने से हो, सड़क हादसों से हो, थ्रेसर के अंदर दुर्घटना होने से हो, जब इलाके का जवान सड़क दुर्घटना होती है तो उसको पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल चाहिए। हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क पर संघर्ष करके 5,000 जवानों ने पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर आंदोलन किए। आंदोलन के बाद में जब पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई, स्वीकृति होने के बाद में आज स्थानीय नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक और पूर्व कांग्रेस के पूर्व नेता विधायक ने जो लोगों ने जो जमीन दान दी है पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल के लिए उसको कोर्ट में लेकर चले गए, उस पर स्टे लगा दिया। क्योंकि क्योंकि जब किसान का बेटा मरता है तो बाने तकलीफ कौन हुए। अगर किसान के बेटे को हाथ थ्रेसर में आ जाए और बा विधायक ने फोन करे कि विधायक जी थ्रेसर में हाथ आ गयो, कोई पीबीएम का मां फोन करो नहीं, तो पीबीएम में बे फोन किन करे जाने बे किन है। मैं तो एक ही बात कह किस हाथ आयो है, डायो हाथ आयो है, क्यों तो भगवान घनी सजा दी जीवनों को नहीं आयो। अरे भगवान ही भगवान सजाई कदी थे सजाओगे। ये हालात हॉस्पिटल के अंदर है। आज जनक विपक्ष के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मैं दुसारना के नौजवानों का, किसानों का, गांव के नौजवानों का, बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं कि जन आक्रोश यात्रा के नाम पर जब नेता गांव के अंदर पहुंचे तो गांव के बुजुर्गों ने पीने की पानी की समस्या लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को